वेलकम टू माई न्यू टॉक गाइस। कल से हम सबका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, टर्म थ्री एग्ज़ाम्स फॉर ऑल द PGP 25 LSM एंड फाइनेंस गाइस एंड आई मीन ऑल द जूनियर्स। सो मैं भी गया तो प्रिंट आउट करवाने के, तो थोड़ा सा प्रिंट आउट करवा लिया, हम जा रहा हूँ पढ़ने। एंड चार दिन की एग्ज़ाम्स रहेगी एंड आई होप मैं एडिट करके फटाफट डाल दिया करूँगा इफ़ पॉसिबल। मेरा रूम थोड़ा सा मेरा फेस थोड़ा सा शेडी शेडी इसलिए दिख रहा है बिकॉज कैमरा में थोड़ा गंदा है एंड मेरा भी, मैंने भी अभी रंग खेला था, मतलब होली खेला था, तो काफ़ी अच्छे से क्लीन नहीं हुई है। एंड फिर दो चार दिन के बाद हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, उसका फिर काफ़ी प्लान से बहुत सारा शूट करना है, इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही है वो भी, उसके लिए भी तैयारी करना है, काफ़ी चीज़ बहुत चीज़ सीखना है। तो दीज आर द अपडेट्स ऑफ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस। मैं एक बार दिखा सकते तो, सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस। तो मिलते हैं कल, मैं शूट करूँगा एंड विल डेफिनेटली एडिट एंड अपलोड। डू लाइक, बाय। और एक और चीज़ गाइस, मैंने अभी होली का ब्लॉग डाला अपने पुराने चैनल में, सो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट, डू वॉच दैट वीडियो। सो गाइस, सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग। एंड सुबह आई मीन कि 9 बज चुके हैं ऑलमोस्ट एंड 9:30 से मेरा एग्ज़ाम है। राइट नाउ इट्स 9:06 और 9:30 से एग्ज़ामिनेशन है। दिस इज़ माई मेसी रूम, ठीक है, और इसको भी बाद में देखेंगे जो भी है, बट अभी फटाफट जा रहे हैं मेस, वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड फिर हम लोग जल्दी आके यहाँ पे एग्ज़ाम देना है। रूम से ही एग्ज़ाम्स हैं, क्यों? क्योंकि सारे बच्चे घर पे ही हैं, गेम के सिर्फ 10 से 15 बच्चे कैंपस में, तो इसीलिए सारे रूम से अलाउड हैं, मतलब ऑनलाइन बेसिस पे ही एग्ज़ाम्स हो रहे हैं अभी। तो लेट्स गो टू मेस एंड फटाफट करते हैं। सो चंदन, आपका थर्ड टर्म का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? आपको याद है सेकेंड टर्म का भी मैंने वीडियो शूट किया था, उसमें 4,000 व्यूज है। अब बताओ क्या खा रहे हो? चोकोस? चलो अब तो हमारा फर्स्ट डे ख़त्म होने वाला है, ख़त्म करते हैं, ठीक है गाइस, मैं भी जाता हूँ खा लेता हूँ। सो अभी मेरी सेकेंड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, दिस इज़ क्वालिटेटिव इंक्वायरी। 2:15 से एग्ज़ाम था है मतलब, और अभी 2:18 हो रहा है। 10 मिनट्स का विंडो रहता है, वी कैन लॉग इन विद इन दीज 10 मिनट्स, आफ्टर दैट नो वन विल बी अलाउड। तो मैं बस जा रहा हूँ लॉग इन करने और आई होप अच्छा एग्ज़ाम जाए। दिस इज़ एन ओपन बुक, तो थोड़ा सा नोट्स है, थोड़ा मे बी थोड़ा हेल्प मिलेगा, बट अगेन दिस इज़ ए प्रॉक्टेड वन, सो यू कॉन्ट टेक्स्ट टू एनी ऑफ योर फ्रेंड्स और एनीथिंग। बाकी ये मेरा रूम, चलो मैं फटाफट एग्जाम्स देता हूँ, उसके बाद काफ़ी काम है तो वो करने वाला हूँ, ठीक है, बाय गाइस। सो डन विथ माई एग्ज़ाम्स फॉर द फर्स्ट डे एंड अभी 4:23 हो रही है एंड जस्ट अभी मैंने ख़त्म किया पेपर। अब थोड़ा आराम करूँगा, थोड़ा कुछ काम वाम करके फिर सोने के बाद में भी 8-9 बजे के बाद में पढ़ना स्टार्ट करूँगा। कल हमारा लीडरशिप और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का पेपर है। सो सी यू गाइस, विल कीप यू अपडेटेड, बाय। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू प्ले वॉलीबॉल, ठीक है। मैं सितंबर में आया था और आज मार्च ख़त्म होने वाला है और अभी मेरा फर्स्ट टाइम है, मतलब यू कैन इमेजिन द स्केड्यूल दैट वी हैव। बाय द वे पीछे डेकोरेशंस हो रही है फॉर कॉन्वोकेशन, तो कॉन्वोकेशन ब्लॉग विल बी कमिंग अप 8th or 9th of April को कॉन्वोकेशन है सीनियर्स का, दे विल बी गेटिंग देयर डिग्री, वो भी ऑफलाइन, सो इट्स अ ग्रेट थिंग, बट आई गेस देयर पेरेंट्स आर नॉट अलाउड, विच इज़ नॉट फेयर। आई गेस आई डोंट नो वेदर इट्स अलाउड और नॉट, बट इफ इट्स नॉट, इट इज़ नॉट फेयर। सो दिस इज़ वॉलीबॉल ग्राउंड, दिस इज़ बास्केटबॉल ग्राउंड। मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, 6 से 7 महीना हो गया, बट आई एम कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम यार। माय गुडनेस, काफ़ी अच्छा है यार ये तो, बहुत गंदा खेल रहे हो। दे दो।
कल एक सीनियर का बर्थडे है, अभी ऑलमोस्ट 10:30 हो गए, काफ़ी बारिश हो रही है और वो लोग जाने वाले हैं गोवा, तो हम लोग आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, जस्ट एक घंटे में वो लोग निकल जाएंगे, दैट्स वाई वी विल बी सेलिब्रेटिंग राइट नाउ। तो चलते हैं, शूट करते हैं कुछ। एंड ही वॉज़ द वन जिनके साथ मैं ऊटी गया था, एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि गोवा भी चलो, बिकॉज वी विल बी डन विथ आर एग्जाम्स बाई टमोरो, बट ड्यू टू सम रीजन्स, पर्सनल रीजन्स, आई एम नॉट गोइंग। मेरा मन तो काफ़ी था, बट ठीक है, फिर कभी जाएंगे गोवा। चलते शूट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरी वन, टुडे इज 24th ऑफ मार्च एंड माई लास्ट एग्जाम ऑफ फर्स्ट ईयर। तो लास्ट एग्जाम है मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, 9:30 से 11 AM तक है, 1.5 आवर्स का, एंड देन माई फर्स्ट ईयर कम्स टू एंड। ग्रेट एक्सपीरियंस, काफ़ी कुछ सीखा यार इस फर्स्ट ईयर में, एंड लेकिन ये रूम सरियाना सीखा नहीं अभी तक, रूम ऐसे था है और रहेगा। चलो जाता हूँ एग्ज़ाम देने, फिर मिलते हैं, बातें करेंगे। एंड मैंने व्लॉग अपलोड तो नहीं किया था बिकॉज मतलब दो एग्ज़ाम होते हैं पर डे, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, एडिट करना पड़ता है, दैट्स व्हाई थॉट कि रहने दो यार, वैसे भी बहुत अच्छा शूट नहीं किया था। तो फर्स्ट वीडियो मतलब फर्स्ट डे का एग्ज़ाम, सेकेंड डे का एग्ज़ाम, जो भी मैंने शूट किया सब मर्ज करके मे बी एक थंबनेल बना दूंगा कि टर्म 3 एग्ज़ाम्स ऑफ फर्स्ट ईयर या फिर फाइनल टर्म ऑफ फर्स्ट ईयर, ऐसा कुछ। चलो मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, फिर शूट करेंगे, देखेंगे। और अब मेरे को अच्छे से प्रॉपर व्लॉगिंग करना होगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट वे वन शुड डू, बिकॉज बहुत रैंडम व्लॉग करता हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा। तो विल वर्क ऑन दिस फैक्टर एंड विल लर्न। अब तो मेरा फ्री है, मतलब इंटर्नशिप है मेरा, तो इंटर्नशिप के साथ साथ आई हैव सो मेनी टाइम्स टू डू, मतलब सो मच ऑफ टाइम टू डू सम अदर स्टफ, सो लेट्स सी, विल डू दिस, बाय। तो टुडे वी आर डन विद आवर एग्जाम्स, और अभी मैं आया हूं बाल कटाने, आवाज़ तो आ नहीं रही होगी, बट स्टिल मैं ब्लॉग करूँगा, एंड ठीक है, जा रहा हूँ फटाफट ब्लॉग कर, मतलब बाल कटाने इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि फिर मेरे को ब्लॉग करना है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस शूट करना है, तो थोड़ा सा ठीक ठाक दिखूँ यार, बिल्कुल केयर नहीं रखता।